लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हमने मेट्रो लिया था होटल के लिए, तो दो मेट्रो चेंज करके मैं जो हूँ अपने होटल के लोकेशन में पहुँच गई। नज़ारा निकलते साथ तो मेरा जो होटल है वो एकदम सेंटर पे है, जिसका नाम है आई फील विला करके होटल है, वो बहुत अच्छा है। उसके सामने ही जो है आपको लाइन 6 चलती है, जो कि फेमस आपको आई फील टावर का व्यू देती है। तो चलो पहले जाके होटल में चेक इन करते हैं। तो ये है हमारा होटल, चलो अंदर जाते हैं और चेकिंग करते हैं। तो पेरिस पहुंचते ही बारिश हो रहा था, इसलिए जो है आप मेरा मुंह देख रहे होंगे कि बन रहा है। फिर हम अंदर गए तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा इनका कैफ़े था यहाँ पे नीचे एंड ग्राउंड फ्लोर पे, एंड ऊपर जो है इनका होटल था। तो ये था रूम, बहुत ही क्यूट रूम था, लाइक बहुत स्मॉल सा प्लेस था बट बहुत अच्छा से डेकोरेट किया हुआ था। एंड इनके पास जो है दो बालकनी व्यू था, एक बाथरूम से बालकनी व्यू था जिससे कि पूरा पेरिस दिख रहा था, और लाइन 6 यहाँ से ही गुजरता है। एंड एक और सेकेंड जो है बालकनी व्यू था जो कि इस साइड था, बट इस साइड थोड़ा सा कर्टन वगैरह खुलने में दिक्कत हो रहा था इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। बट आपको जो है वो बाथरूम वाला बालकनी व्यू है वो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, तो इन्जॉय कीजिए बालकनी व्यू पेरिस का। बालकनी से ये है व्यू। तो होटल में चेक इन करने के बाद मैं थोड़ा निकल गई थी खाने के लिए, तो आज मेरा फास्टिंग है मंडे का, तो मैं जो हूँ सिर्फ जूस पीऊँगी। तो इसीलिए मुझे बगल में ही कोई एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा, तो वहाँ मैं चली गई थी और वहाँ पे मैंने जूस पिया। तो हम चलते चलते आ गए हैं मीना महल, और मेरा फास्टिंग है तो इसलिए मैं सिर्फ जूस पीऊँगी, चलो वहीं चलते हैं। तो अंत जाने पे मुझे ये रेस्टोरेंट दिखा जो कि एक पंजाबी अंकल चला रहे थे, और इनका जो प्राइस था वो भी सही था, और यहाँ पे फॉरेनर लोग भी आके खा रहे थे, तो ये मुझे अच्छा लगा। और मैंने किया था मैंगो लस्सी ऑर्डर, जो कि मैं यहाँ पे पी रही हूँ। मुझे ओके लगा, हमारे इंडिया जैसा तो नहीं था, बट मैं ट्रैवल करके थक गई थी, और आपको पता है ट्रैवल में भी मैंने कुछ नहीं खाया था, तो इसलिए मुझे जो है कुछ पीना ज़रूरी था, तो मैंने यहाँ पर पिया। ये थोड़ा सा फ्लेवर टाइप का लग रहा था बट ओके ही था। तो लस्सी पीने के बाद जो है मैं मेट्रो चली गई थी, और मैंने लिया था लाइन 6 जिससे कि आईफिल टावर का व्यू दिखता है, तो वो व्यू जो है आप भी इंजॉय करो। तो मुझे यूरोप के जो है बिल्डिंग्स बहुत पसंद है, इसीलिए जो है मैंने सेकेंड इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए यूरोप चुना था। मुझे इनके बिल्डिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं, आर्किटेक्चर इनका बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो है ना अभी लाइन 6 में हम जाने वाले थे, इसके बाद जो है हमारा लाइन 6 वाला आने वाला था। आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा जो है आईफिल टावर का टॉप दिख रहा है, अभी आपको जो है कंप्लीट आईफिल टावर दिखने वाला है, तो जस्ट वेट। और पहली बार आईफिल टावर देख के तो मैं पागल ही हो गई थी, क्योंकि हम जो है रील्स में देखते थे, सिर्फ मोबाइल में देख पा रहे थे, बट आज मैंने अपने आँखों से देखा तो मुझे यकीन ही रहा था कि मैंने देख लिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा आईफिल टावर देख के। तो ये जो है आपको अब दिखना जो है स्टार्ट होगा कंप्लीट, तो इसके बाद जो है ये रहा व्यू, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, और मुझे इतना पसंद आया कि मैंने जो है स्टेशन पे उतर के फिर से जो है रिटर्न वाला जो है टिकट लेके एंड देन अगेन मैंने इसे देखा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आज हम लाइन 6 से ही जो है इसका व्यू देख के एंड रिटर्न चले गए थे होटल, और थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड कल निकलेंगे, एंड कल जो है कंप्लीट आईफिल टावर देखेंगे, एंड जो स्पार्कल होता है वो भी दिखाएंगे आपको, एंड मेरा ड्रेस भी थोड़ा अलग होने वाला है, तो वो जो है हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और कमेंट कर दे, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय।